हाथों में तख्ती लेकर सड़क पर उतरे ये लोग सूखे से बेहाल महाराष्ट्र के सांगली जिले के किसान हैं। आटपाड़ी तहसील के बाहर प्रदर्शन कर रहे ये किसान न केवल सूखा राहत मिलने में देरी से नाराज हैं, बल्कि उसे नाकाफी भी बता रहे हैं। वे सूखा राहत बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए शासन ने उन्हें हेक्टर 1 लाख रुपए का अनुदान देना और खरीफ पीक है ज्वारी बाजरी, उन्हें हेक्टर पर 50,000 का अनुदान देना चाहिए। महाराष्ट्र में इस साल राज्य के आधे हिस्से में बहुत कम बारिश हुई है। इससे उपजे संकट को देखते हुए फडणवीस सरकार ने 1 महीने पहले आधे से ज्यादा तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित करते हुए राहत का ऐलान किया था, लेकिन किसानों को अब तक कोई मदद नहीं मिल पाई है। हालांकि किसानों के आंदोलन के बाद अधिकारी अब उनकी मांगों को शासन तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं। प्रशासन जिलाधिकारी किसानों ने जल्द से जल्द सूखा राहत देने की मांग की है। उन्होंने 1 दिसंबर तक मांगे ना माने जाने और उसके आधार पर राहत ना मिलने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। महाराष्ट्र के सांगली से अशोक पवार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।